दोस्तों यहाँ पे आप एक जेसीबी देख पा रहे हैं, इसका जो स्पिंडल जो है आई बीम में फंस चुका है और फंसने का कारण है कि सेंटर पिन का जो लॉक होता है कॉटर वो जो है घूम के जाम हो चुका है। अब यहाँ पे इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, सेंटर पिन को काटना पड़ता है, फिर आई बीम को फाड़ के जो है पिन निकलता है। पर यहाँ पे अपन एक जुगाड़ लगा है जो बहुत ही ज़बरदस्त जुगाड़ है और बहुत ही यहाँ ताकत के साथ इस कॉटर को निकाल देता है। आप घन हथौड़ी चलाएंगे उससे ज़्यादा ताकत आप यहाँ पे जो है आप नट बोल्ट से ही यूज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे, देखिए अपन क्या किए, ये जो कॉटर है यहाँ पे फंस चुका है। तो अपन क्या कि यहाँ पे कॉटर के ऊपर में जिस तरफ से ठुकता है काटर उसके ऊपर क्या किया, एक बोल्ट को उल्टा रख के ऊपर वेल्डिंग कर दिया। यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसको वेल्डिंग कर दिए हैं। इसके बाद से क्या करेंगे, एक ठो सिलू टेप का कुछ भी लेंगे जो इसमें फ्री रहे, वेल्डिंग से लेके बोल्ट तक ना पकड़े उसको डाल देंगे यहाँ पे। यहाँ पे एक दो चाहे चार वाशर लगा देंगे। और इसके बाद से यहाँ पे देखिए अपन जो यहाँ पे नट जो है कस देंगे। अब नट कसने के बाद अपने को क्या करना है, इसको पाना से जो है इसको पूरा टाइट कसते जाना है। अपन जैसे जैसे यहाँ पे जो है अपन बोल्ट के ऊपर में जो नट को कसेंगे तो अपना कॉटर के ऊपर में जो यहाँ पे ताकत पड़ेगा और इसको अपन कसते जाएंगे। और इसके बाद से क्या होगा, धीरे 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 करके जो कॉटर बाहर आते जाएगा। अगर मान लीजिए कॉटर फिर भी बाहर नहीं आ रहा तो आप यहाँ पे पीछे से हल्का ठोक सकते हैं और इसके साथ इसके अगर तब भी जाम हो तो आसपास के एरिया को वहाँ पे जो कॉटर के ऊपर पीछे तरफ से और सामने तरफ से इसको गर्म करने के बाद से आप इसको गर्म करते रहिए, इसको कसते रहिए। अगर आप कहीं पर भी अगर फंसता है, अगर नहीं निकलता है तो अगर आप इसको जब गर्म करेंगे तो बहुत ही आसानी से निकल आता है बाहर। तो हमारे केस में इसको उतना मतलब इतना हार्ड नहीं था, इतना जाम नहीं था तो अपन को गर्म नहीं करना पड़ा। नहीं तो आपके केस में अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे जाम हो जाता है और नहीं निकलता कसने से भी, बोल्ट टूट जा रहा है वेल्डिंग, तो आप यहाँ पे जो है आप गैस कटर से गर्म करके इसको खींच सकते हैं। पर आपको मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पे बोल्ट आप जो भी यूज करें अच्छी चूड़ी का मतलब अच्छे मटेरियल का TVS वगैरह का यहाँ पे जो है आपको यूज करना है, उसकी वेल्डिंग मजबूती से करने के बाद से आपको यहाँ पे कसना है। लोकल बोल्ट जो देसी हार्डवेयर का बोल्ट होता है उसको यूज करेंगे तो उसका चूड़ी स्लिप हो जाएगा। तो देखिए आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर बताइए दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगता है इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए दोस्तों।